भारत बायोटेक का कोविड-19 वैक्सीन 15 अगस्त तक बाजार में उपलब्ध होगा, क्या ये सच है? हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार, और आज के इस वीडियो पर इस क्लेम की फैक्ट चेक करेंगे। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 2 जुलाई को घोषणा की थी कि वे 15 अगस्त तक पब्लिक हेल्थ यूज के लिए वैक्सीन लॉन्च करेंगे। ICMR ने हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक के साथ इस एम्बिशियस लॉन्च की तारीख निर्धारित की थी। भारत बायोटेक दुनिया की सबसे सस्ती हेपेटाइटिस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को तेजी से ट्रैक करने के बारे में ICMR का एक पत्र भी सामने आया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माने तो भारत में बायोटेक वैक्सीन को 15 अगस्त से केंद्र सरकार ने अनुमति भी प्राप्त हो गई है। दोस्तों, ये दावा ट्विटर और फेसबुक पर भी पोस्ट किए गए थे। फैक्ट चेक करने वाले बॉडीज को यह कहते हुए कई सारे रिक्वेस्ट मिले कि क्या वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा 15 अगस्त तक विकसित किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब इस क्लेम की फैक्ट चेक करते हैं। दोस्तों, तथ्य की जांच करें तो दावा बिल्कुल गलत है, लेकिन संदेश रियल है। हालांकि पत्र के बारे में क्लैरिफिकेशन भी दिए गए हैं। क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि 15 अगस्त वास्तव में वैक्सीन के लॉन्च होने की कोई डेडलाइन नहीं है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें ICMR की ट्रायल फास्ट ट्रैकिंग को समझना होगा। आइए अब देखते हैं कि ICMR की फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेस कैसी है। दोस्तों, 2 जुलाई को एपेक्स मेडिकल रिसर्च बॉडी के महानिदेशक बलराम भार्गव ने परीक्षण में शामिल 1 दर्जन संस्थानों को यह लिखा था कि जितने भी अप्रूवल्स हैं उन्हें फास्ट ट्रैक की जाए, और साथ ही परीक्षण के लिए ट्रायल पार्टिसिपेंट्स को 7 जुलाई से पहले एनरोल की जाए। दोस्तों, भार्गव ने चेतावनी दी कि नॉन कॉम्प्लायंस को बहुत गंभीरता से देखा जाए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी के तौर पर ट्रीट करें और दिए गए डेडलाइन को बिना किसी चूक के पूरे करें। साथ ही पत्र में 15 अगस्त तक हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक लिमिटेड के सहयोग से भारत के कोविड-19 वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को लॉन्च करने की योजना का खुलासा किया गया, और यह भी कहा गया कि फाइनल आउटकम सभी क्लिनिकल ट्रायल के सहयोग पर निर्भर करेगा। पत्र में यह भी बताया गया है कि इस वैक्सीन को SARS-CoV-2 के स्ट्रेन से लिया गया है, जिसे ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा ड्राइव किया गया है। दोस्तों, पुणे ICMR और BBIL जॉइंट प्री क्लिनिकल टास्क के साथ साथ इस वैक्सीन के क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल बॉडीज ने 12 संस्थानों को जुलाई के पहले हफ्ते तक वैक्सीन ट्रायल और उसके एनरोलमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा था। खैर, ये तो बात हो गई पत्र की, अब आइए एक नजर डालते हैं कि इस पे ICMR की क्या क्लैरिफिकेशन रही। दोस्तों, एक न्यूज सोर्स के अनुसार इसी समय मेडिकल कम्युनिटी ने नाराजगी दर्शाई और कहा गया कि इतने कम समय में एक टीका कैसे विकसित किया जा सकता है, और ICMR वैक्सीन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को धमकी देना कोई समझदारी तो है नहीं। 4 जुलाई को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ICMR ने स्पष्ट किया कि इसकी प्रक्रिया ग्लोबल एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अनुसार वैक्सीन डेवलपमेंट को तेजी से ट्रैक करने के लिए बिल्कुल सही है, जिसमें ह्यूमन और एनिमल ट्रायल्स बराबर रूप से जारी रह सकते हैं। एक ICMR ऑफिशियल ने कहा कि उनकी कम्युनिकेशन को मिसइंटरप्रेट की जा रही है। उनका कहना है कि हमने केवल यह कहा कि 15 अगस्त तक एक टीका लगाने की परिकल्पना करते हैं और ये कोई डेडलाइन नहीं है। दोस्तों, अब आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं कि भारत बायोटेक का इस पे क्या कहना है। ये पूछे जाने पर कि कब तक वैक्सीन की उम्मीद की जा सकती है, डॉक्टर कृष्ण एलर, जो कि भारत बायोटेक के संस्थापक हैं, उन्होंने 26 जुलाई को एक रिपोर्ट में एक न्यूज सोर्स को यह बताया कि इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हम ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत में हैं। केवल सेफ्टी डेटा स्थापित होने पर और रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्राप्त करने के बाद ही हम लाइसेंस कोर्स का निर्णय ले पाए। एक इंटरव्यू पे डॉक्टर एल्ला ने यह कहा था कि अगर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छी तरह से चलते हैं और साथ ही एफिकेसी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा किया जाता है, और यदि अप्रूवल्स भी मिल जाते हैं, तो ही इसे बड़े पैमाने पर अवेलेबल कर सकते हैं, वो भी 2021 के शुरुआत से। तो दोस्तों, आज इस फैक्ट चेक पर क्लेम कितना सच है और कितना झूठ, ये हमें समझ आ गया होगा, और ये भी सीखने और समझने को मिल गया होगा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस का ढोलक हर बार पिटना सही नहीं होता, खासकर तब जब बात देश के हित में की जाए।
देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि बात को बोलने और सुनने से पहले बात की जांच पड़ताल अच्छे से कर ली जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद।